नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के रहस्य में, जहां हम बात करेंगे सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे सपने में चूड़ी देखने का रहस्य। यदि आप सपने का सही मतलब जान गए तो आने वाला भविष्य आपका पहले से बेहतर गुजरेगा। आज हम आपको बताएंगे कि सपने में चूड़ियाँ देखना कैसा होता है। तो दोस्तों, आए देखें सपने में चूड़ी देखने का रहस्य। सपने में चूड़ी देखना, हिंदू शास्त्र और स्वप्न विशेष योगियों की माने तो सपने में चूड़ी देखना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। यह सपना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके घर नई खुशी आने वाली है और इसीलिए आपको यह सपना आया है। हो सकता है कि आपके घर शादी का माहौल होगा या पाठ पूजा होगा, जैसे खुशी भरे अवसर होने वाले हैं, इसीलिए सपने में चूड़ी देखना शुभ संकेत माना जाता है। सपने में हरे रंग की चूड़ी देखना। दोस्तों, सपने में हरे रंग की चूड़ी देखना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और आप कामयाबी के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। यह सपना अत्यंत लाभदायक और शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आने वाले समय में आपके व्यवसाय का स्तर बढ़ जाएगा और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको बड़ी पदवी मिलने के आसार हैं। सपने में लाल रंग की चूड़ी देखना। दोस्तों, सपने में चूड़ी के रंग का भी अलग महत्व है। सपने में लाल रंग की चूड़ी देखना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आप पर बड़ी जवाबदारी आने वाली है, क्योंकि आप जवाबदारी के लिए पूरी तरह सक्षम हो, इसीलिए कोई आपको यह जवाबदारी सौंप रहा है। आपके लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काबिल होता है उसी को जवाबदारी प्राप्त होती है। इसीलिए यह एक अच्छा सपना माना जाता है और यदि आप अपनी जवाबदारी पर खरे उतरे तो आने वाला समय आपका अत्यंत लाभदायक होने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। इसीलिए सपने में लाल रंग की चूड़ी देखना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में शादी की चूड़ी देखना। दोस्तों, यदि कोई महिला जो सिंगल है उसे सपने में शादी की चूड़ियाँ दिखाई देती है तो यह सपना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में उसको अपना जीवन साथी मिल सकता है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि उसकी शादी भी कुछ ही समय में हो सकती है। यह सपना यदि कोई पुरुष देखता है तो पुरुष के लिए भी यह सपना शुभ संकेत माना जाता है और उसकी शादी के योग बनने लगते हैं। इसीलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपको शादी की चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सपने में चूड़ी खरीदना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चूड़ी खरीदना अत्यंत लाभदायक और शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके घर खुशियाँ आने वाली हैं। लंबे समय से आपके घर जो तकलीफ परेशानी है वह दूर होने वाली है और आपके घर आनंद का माहौल बनने वाला है, इसीलिए आपको सपने में चूड़ी खरीदना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ देखना अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपका कोई नज़दीकी आपसे दूर होने वाला है। हो सकता है कि वह व्यक्ति कहीं दूर रहने जाने वाला है और यह भी मुमकिन है कि आपके नज़दीकी परिजनों में किसी की मौत होने वाली है। ऐसे अपनी और अपने परिजनों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। सपने में चूड़ियाँ टूटना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चूड़ियाँ टूटना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके विचार पूरी तरह नकारात्मक हो जाएंगे। हो सकता है कि आप गलत दोस्तों से दोस्ती कर बैठें या आपने जिस व्यक्ति का हाथ थामा है वह आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में आप खुद को कभी अकेला भी महसूस करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि सभी लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ही की नकारात्मक सोच से आपको ऐसा दिख रहा है, बल्कि असल जीवन में यह सब आपके मन का वहम है। सपने में चूड़ी पहनना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चूड़ियाँ पहनना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। खुशी प्राप्त होने के जरिए कई हो सकते हैं, जैसे आपकी प्रगति होने वाली है, आपके घर नन्ना मेहमान आने वाला है, धन लाभ होने वाला है, मान सम्मान कद बढ़ने वाला है। सपने में चूड़ियाँ पहनना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि आपको यह खुशियाँ ही खुशियाँ देने का संकेत देता है। इसीलिए आने वाली खुशियों से आपका खुश होना चाहिए और आनंद से अपना जीवन बिताना चाहिए।
तो दोस्तों, यह था सपने में चूड़ी देखने का रहस्य। सपनों से जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीवन के रहस्य।